गेम ऑफ थ्रोन सीजन 8 एपिसोड नंबर 5। कहानी की शुरुआत होती है वैरिस से, जो एक लेटर लिख रहा है जिसमें जॉन स्नो की असलियत बयान है। बेसिकली यहाँ पे ये जिक्र किया गया है कि रेगाल टारगेरियन और लियाना स्टार्क का बेटा है जॉन स्नो, यानी कि वो गद्दी का असली उत्तराधिकारी है। वहाँ पर विंटरफेल की रसोई में काम करने वाली एक बच्ची पहुँचती है और बताती है कि डेनेरियस ने कुछ नहीं खाया है। इस पर वैरिस कहता है, कोई बात नहीं, हम बाद में दोबारा कोशिश करेंगे। क्या बात करें, किस चीज़ की कोशिश करेंगे ये। खैर, इसके बाद बच्ची जो है उसके बारे में हमें पता चलता है बहुत डरी हुई है। वो कह रही है कि मुझ पर नज़र रखी जा रही है, डेनेरियस के सोल्जर्स मुझे देख रहे हैं। इस पर वैरिस उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है और कहता है, रिस्क जितना बड़ा होता है उसका रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होता है। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले एपिसोड में टीरियन और वैरिस की भी कुछ क्रिप्टिक बातचीत होती है, जिसमें एक तरह से टीरियन वैरिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है, उसे प्ली कर रहा है कि ऐसा ना करे। क्या प्लान कर रहा था वैरिस? कहीं वो डेनेरियस को जहर देने की फिराक में तो नहीं थे, और इस बच्ची की मदद से वही तो नहीं किया जाना था। जॉन स्नो ड्रैगनस्टोन आ चुका है और वो वैरिस को कुछ अपडेट्स देता है। वैरिस बताता है कि डेनेरियस की हालत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे से नहीं निकल रही और कुछ खा पी भी नहीं रही। वो जॉन को कहता है कि वो डेनेरियस की मेंटल हेल्थ को लेकर टेंशन में है, उसे डेनेरियस स्टेबल नहीं लग रही। वैरिस को लगता है कि जॉन स्नो को आयरन थ्रोन पर बैठना चाहिए, मगर जॉन इस बात पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो डेनेरियस के लिए समर्पित है और वो उसी को रानी मानता है, उसी को सपोर्ट करेगा और उसे खुद राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टीरियन हिम्मत करते हुए किसी तरह से डेनेरियस के कमरे में पहुँचता है। डेनेरियस हमें बिल्कुल उजाड़ लग रही है, वो बेहद उदास है, मिसेंडी मारी गई और जोरा मॉर्मोंट भी अब उसके साथ नहीं है, वो एक तरह से अकेली पड़ चुकी है। जॉन स्नो भी अब उसे ज़्यादा भाव नहीं दे रहा, उसे डेनेरियस और अपने रिश्ते को लेकर थोड़ी अनकंफर्टेबिलिटी है और इसका असर डेनेरियस पर साफ दिख रहा है। वो बेहद उदास है, उसे लग रहा है कि जॉन ने उसे धोखा दिया है और ये बात अब फैलने लगी है कि जॉन स्नो राजगद्दी का असली उत्तराधिकारी है और वही रेगार टारगेरियन की औलाद है। यहाँ पर टीरियन उसे बताता है कि नहीं, जॉन स्नो ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, बल्कि ये काम वैरिस का है, क्योंकि मैंने वैरिस को बताया था। वो कहता है, हम आपके एडवाइज़र्स हैं और हमें इस तरह की बातें पता होनी चाहिए। वो कहता है कि मुझे सैंसा ने इस असलियत के बारे में बताया और वैरिस और मैंने इस बारे में सिर्फ डिस्कस किया। हम आपके ही साथ थे, हम आपसे गद्दारी नहीं कर रहे थे। मगर डेनेरियस को वैरिस की इंटेंशंस के बारे में शायद पता है। हमें वापस वैरिस के पास लेकर जाया जाता है, जहां पर अनसलिड पहुंच चुके हैं और वैरिस को शायद पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो अपना लिख रहा आखिरी खत जला देता है, अपनी अंगूठियां उतार देता है और पहुंचता है ड्रैगनस्टोन के किनारे पर, जहाँ पर एक समंदर भी है। साथ ही जॉन स्नो, डेनेरियस, टीरियन सब यहाँ पर मौजूद हैं। टीरियन आगे बढ़ता है और वैरिस को बताता है कि उसने ही डेनेरियस को वैरिस का नाम बताया। वैरिस इस बात को एक्सेप्ट करता है और फिर कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं गलत हूँ और मेरे साथ जो हो रहा है मैं वो डिज़र्व करता हूँ। उसके बाद टीरियन वहाँ से चला जाता है। इनके बीच एक छोटी सी बॉन्डिंग दिखाई जाती है। ऑब्वियसली इन्होंने बहुत सारे सीजन साथ में बिताए हैं, इन कैरेक्टर्स ने एक दूसरे को अप्रिशिएट किया है और साथ भी दिया एक दूसरे का काफ़ी। अब वो वक्त आता है जब वैरिस को ड्रोगोन की आग के हवाले कर दिया जाता है। जॉन स्नो इस बात से खुश नज़र नहीं आ रहा और टीरियन तो ऑब्वियसली दुखी है ही। देखते हैं डेनेरियस आगे क्या करती है। जॉन डेनेरियस से मिलने उसके कमरे में पहुंचता है और वो कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने सांसा को सच्चाई बता दी अपनी जबकि मैंने मना किया था। फिर वो कहती है, वैरिस की मौत के लिए जितनी मैं जिम्मेदार हूँ उतने ही तुम। जॉन इसके बाद कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी रानी हो और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हें सपोर्ट करूंगा। डेनेरियस थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश करती है, मगर जॉन अभी भी उन दोनों के रिश्ते की वजह से कंफर्टेबल नहीं है। हम जानते हैं कि डेनेरियस जो है वो रेगार टारगेरियन की बहन थी। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही इनके बीच एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं हो, मगर डेनेरियस जॉन की बुआ है। ड्रैगनस्टोन के थ्रोन रूम में टीरियन डेनेरियस को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अपनी आर्मी को किंग्स लैंडिंग पर अटैक करने के लिए फ़िलहाल ना लेकर जाए। वो कहता है कि वहाँ पर जो आम लोग हैं उन्हें मारने से क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो एक तरह से खुद ही विक्टिम्स हैं। डेनेरियस कहती है कि मेरीन में स्लेव्स ने खुद रेबल किया और अपने मास्टर्स को मार दिया, ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते। टीरियन समझाने की कोशिश करता है कि ये लोग सर्सी से डरते हैं।
वो बताता है कि किंग्स लैंडिंग में एक बेल है जिसे बजाने का मतलब होता है सरेंडर। हमें वहां की आम जनता को थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि वो सर्सी के अगेंस्ट जाकर उस बेल को बजा सकें, जिसका मतलब होगा कि वो डेनेरियस के साथ हैं और अब सर्सी को अपनी रानी नहीं मानते। इनकी मीटिंग यहीं पर ओवर हो जाती है, मगर इससे पहले डेनेरियस बताती है कि जेमी को उसके लोगों ने पकड़ लिया है क्योंकि उसे विंटरफेल में रहना चाहिए था, मगर वो साउथ की तरफ जा रहा है, यानी कि सर्सी की मदद करने के लिए जा रहा है। वो अभी फिलहाल कैद में है। टीरियन किंग्स लैंडिंग पहुंच चुका है, जहां पर सर डावोस सीज की तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं वो किंग्स लैंडिंग के अंदर नहीं जाने दी जाएंगी, ताकि वहाँ के लोग परेशान हो जाएँ और फिर सर्सी के खिलाफ बगावत कर दें। टीरियन यहाँ पर डावोस से एक फेवर मांगता है और कहता है, मैंने सुना है आप दुनिया के सबसे बड़े स्मगलर हैं। इस पर डावोस कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि जो भी फेवर तुम मांगने वाले हो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी डिमांड रख रहा है, क्योंकि बाद में हमें जेमी को दिखाया जाता है और टीरियन उसके टेंट की तरफ जा रहा है। वो गार्ड्स को कहता है कि मैं हैंड ऑफ द क्वीन हूँ, तो जिसने भी तुम्हें यहाँ पर तैनात रहने का ऑर्डर दिया है मैं उससे सीनियर हूँ, यहाँ से जाओ और मुझे अंदर कैदी से बात करनी है। फिर वो जेमी से मिलने पहुँचता है और उसे चाबी दिखाता है, वो उसे आज़ाद कर रहा है और दोनों के बीच एक बहुत स्पेशल सीन होता है। ये सीज़न मुझे वैसे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, मगर कुछ मोमेंट्स फिर भी हैं जो मुझे पुराने दिनों की याद दिला देते हैं, जैसे इन दोनों के बीच जो भी बातचीत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कैरेक्टर्स जो हैं बहुत अच्छे से निभा रहे हैं दोनों के दोनों एक्टर्स। भले ही लाइनें बहुत अच्छी ना हो, मगर इनकी एक्टिंग हावी है। वो जेमी को बताता है कि रेड कीप के तहखाने के रास्ते वो बाहर जा सकता है और वहाँ पर एक छोटी सी नाव उसका इंतज़ार कर रही होगी, जिसके सहारे वो पेंटोस जा सकता है सर्सी को लेकर और एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकता है। जेमी टीरियन का शुक्रिया अदा करता है और फिर टीरियन भी उसका शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि अगर तुम ना होते तो पता नहीं मेरा बचपन कैसे बीतता, क्योंकि तुम इकलौते इंसान थे जो मेरे साथ ठीक से पेश आते थे, मुझे एक मॉन्स्टर नहीं समझते थे। टीरियन थोड़ा रोता भी है और फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं। जेमी को किंग्स लैंडिंग तो जाना है, मगर उसे एक और काम करना है। वहाँ पहुँच कर उसे घंटी बजानी है, यानी कि टीरियन ने जो डेनेरियस से वादा किया है कि वहाँ की आम जनता बेल बजाएगी, जिसका मतलब सरेंडर होगा, वो काम जेमी ही करने वाला है। अगले दिन किंग्स लैंडिंग के सामने अनसलिड, नॉर्थमैन और डॉथराकीज मौजूद हैं। यहाँ पर टीरियन फिर से इस बात को दोहराता है कि अगर बेल्स बजें तो फिर आप समझ जाइएगा, इसका मतलब है लोग सरेंडर कर रहे हैं और आप अटैक करना बंद कर दीजिएगा, इस सरेंडर को स्वीकार कर लीजिएगा। वहीं रेड कीप पर सर्सी हमेशा की तरह मौजूद है और बाहर देखकर मुस्कुरा रही है। वो कह रही है कि अच्छी बात है, बहुत सारे जो मासूम लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं, वो गलियों में मौजूद हैं और रेड कीप तक डेनेरियस को अगर पहुँचना है तो बहुत सारे मासूमों को मारना पड़ेगा। ब्लैक वाटर बे पर योरॉन अपनी फ्लीट के साथ तैयार हैं। यहाँ पर बहुत सारी शिप्स हैं जिनके ऊपर स्कॉर्पियन लगा हुआ है ड्रैगन को निशाना बनाने के लिए, और एक ड्रैगन को तो ये मार ही चुके हैं, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। मगर तभी आसमान से कहीं से सीधे ड्रोगोन इनकी तरफ बढ़ता है और फायर करता है। सारी की सारी शिप्स जो हैं वो भस्म हो जाती हैं, और मुझे लगता है कि अगर इतना ही आसान था इन शिप्स को ख़त्म करना, स्कॉर्पियन को ख़त्म करना, तो फिर पिछले एपिसोड में ये क्यों नहीं हो गया, रेगाल को मरना ही क्यों पड़ा। बट कोई बात नहीं, फिलहाल जो स्टोरी हमें बता रही है हम उसे ही फॉलो करना पड़ेगा। तो शिप सारी तबाह हो चुकी हैं और यूरॉन भी पानी के अंदर गिर चुका है। वहीं किंग्स लैंडिंग के बाहर गोल्डन कंपनी मौजूद है, जो सर्सी की तरफ से इस जंग में हिस्सा ले रही है। सामने ही इनके दुश्मन भी मौजूद हैं, यानी कि हमारे हीरोज, मगर पीछे से डेनेरियस आती है और ड्रोगोन आग फेंकता है। उसकी आग पता नहीं क्यों ब्लास्ट का काम करती है और सारी दीवारें उड़ने लगती हैं, उड़ जाती हैं, जैसे कि बम ब्लास्ट हुआ हो, और जो गोल्डन आर्मी है वो भी ख़त्म हो जाती है। उसका कमांडर बचने की कोशिश करता है मगर वो भी मारा जाता है। इनफैक्ट ये लोग आगे बढ़ते हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि ग्रे वॉर्म, जो कि अनसॉलिड आर्मी का कमांडर है, वो गोल्डन आर्मी के कमांडर को ही मारता है, जबकि वहाँ इतने सारे लोग हैं। ये लोग जब अंदर पहुंचते हैं तो आसपास खूब मारकाट मचाते हैं और बेल्स बजने का वेट नहीं कर रहे हैं, बस मारे जा रहे हैं लोगों को। साथ ही हमने इससे पहले जेमी को भी देखा था कि वो किंग्स लैंडिंग में बड़ी मुश्किल से मगर घुस गया था, और अभी वो बेल्स के पास ही है। उसने फाइनली बेल्स बजा दी हैं, जिसका मतलब है लोग सरेंडर कर चुके हैं। किंग्स लैंडिंग की गलियों में लैनिस्टर आर्मी मौजूद है, मगर
इन सोल्जर्स ने अपने हथियार फेंक दिए हैं, ये लड़ना नहीं चाहते, ये सर्सी में वैसे भी ज़्यादा बिलीव नहीं करते, और ड्रैगन को देखकर जाहिर सी बात है डर जाना नॉर्मल सी बात ही होगी। यहीं आसपास ही आर्या भी मौजूद है हाउंड के साथ। ये दोनों रेड कीप की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि आर्या सर्सी को मारना चाहती है। इसी एपिसोड में शुरुआत में एक सीन भी हुआ था जब कुछ लोग आर्या को रोकना चाह रहे थे, मगर वो कहती है कि मैं आर्या स्टार्क हूँ और मैं सर्सी को मारने जा रही हूँ। बेसिकली आर्या का नाम इतना फेमस हो चुका है क्योंकि उसने नाइट किंग को मारा है। तो हाउंड कहता है देखो ना कितना सिंपल होगा, वो जाएगी सर्सी को मार देगी और तुम्हें मरना भी नहीं पड़ेगा, ये जंग भी नहीं होगी, इसीलिए उसको जाने दिया जाता है। ओके, वापस आते हैं डेनेरियस और ड्रोगोन पर, जिन पर बेल बजने का कोई असर नहीं हुआ। टीरियन ने साफ साफ कहा था बेल्स बजने का मतलब है सरेंडर और उसके बाद आप खून खराबा मत करना, यानी कि इसका मतलब है लोग आपके साथ हैं। मगर डेनेरियस के दिमाग पर खून सवार है और वो शायद बदला लेना चाहती है या उसका दिमाग फ्लिप हो चुका है। वो किंग्स लैंडिंग की सड़कों पर तबाही मचाने लगती है और आम लोगों को बिना मतलब मारने लगती है। ये देखकर ग्रेवॉर्म और बाकी अनसलिड और डॉथराकीस को शायद मैसेज समझ में आ जाता है कि हमें किसी को भी नहीं छोड़ना, और ये लोग उन लैनिस्टर सोल्जर्स पर अटैक करते हैं जो हथियार डाल चुके हैं। जॉन स्नो ये सब देखकर हैरान है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि हम बैकग्राउंड में डावोस को देखेंगे कि वो आम लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जॉन स्नो सकते में है कि ये डेनेरियस को हुआ क्या। शायद इसका मैसेज ये है कि जब जंग शुरू होती है तो वो तो आपके हाथ में होता है, मगर फिर आगे बढ़कर कहाँ जाएगी, आप उन चीज़ों को उन कॉन्सिक्वेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। और अभी फ़िलहाल जॉन स्नो के साथ यही हो रहा है, वो बेगुनाह लोगों पर अटैक देख रहा है और वो इस लड़ाई में अब अपने ऑपोजिशन के साथ लड़ रहा है एक तरह से, क्योंकि उसे एक औरत की जान बचाने के लिए अपने ही एक सोल्जर को मारना पड़ता है। जिमी पहाड़ियों पर चढ़ते हुए रेड कीप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, मगर इत्तेफाक से उसे योरन ग्रेजॉय मिल जाता है वहीं पर, जो एग्जैक्ट सेम टाइम पर पहुंचा हुआ है और जिमी से बिना मतलब लड़ रहा है। जिमी कहता है कि मुझे सर्सी तक पहुंचना है, चलो मिलकर उसे बचाते हैं, मगर योरन को लड़ना है और मरना है। बिना मतलब की ये फ़ाइट होती है जो मुझे किसी हिंदी फिल्म के सीन की तरह लगी, अननेसेसरी। मगर योरन जो है वो बिल्कुल अड़ा हुआ है कि वो जिमी के हाथों मरना चाहता है। अल्टीमेटली होता ऐसा ही है, योरन मर जाता है, मगर मरने से पहले वो जेमी पर एक घातक प्रहार करता है और खुश होता है कि आखिरकार जेमी का अंत उसके हाथों होगा। जेमी फिर भी सही सलामत किसी तरह से रेड कीप तक पहुंच रहा है। वहीं पर हमें हाउंड और आर्या को भी दिखाया जाता है जो रेड कीप तक जा रहे हैं। वहाँ पर वॉल्स जो हैं वो क्रम्बल कर रही हैं, धूम धड़ाका हो रहा है, आग है आसपास। बिल्कुल पता चल रहा है कि डेनेरियस ने मर्सी नहीं दिखाई। हाउंड सिचुएशन समझ रहा है और आर्या को कहता है कि तुम वापस जाओ, तुम मेरे साथ मत आओ, तुम्हें बदला लेने से कुछ नहीं मिलेगा, मेरी तरफ देखो, क्या तुम मेरे जैसा बनना चाहती हो। आर्या को पता नहीं सडनली क्या होता है, उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ बिल्कुल उसे हाउंड जैसा नहीं बनना, और वो जिस स्किल लिस्ट को पूरा करने के लिए इतने सीजन्स तक वेट कर रही थी उसे पूरा नहीं करती, उसे बीच में ही छोड़कर, यानी कि सर्सी को मारने के प्लान को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। मगर हाउंड ये काम नहीं करता क्योंकि उसके लिए उसका बदला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई जस्ट होप्ड कि वो भी आर्या के साथ बाहर चला जाता, मगर वो क्या करता है, आगे बढ़ता है माउंटेन से मुकाबला करने के लिए। माउंटेन फ़िलहाल सर्सी के साथ है और काइवर्न भी वहाँ मौजूद है। सर्सी को देखकर बहुत हैरानी हो रही है कि किस तरह से डेनेरियस ने उसके शहर को भस्म कर दिया है। सर्सी अब डर चुकी है और डेनेरियस ने वाकई बिल्कुल भी इंसानियत नहीं दिखाई, और शायद यही बात उसे घबराने पर मजबूर कर रही है। काइवर्न कहता है कि यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है, हमें जाना चाहिए। सर्सी कहती है कि योरन जो है हो सकता है यहाँ तक पहुँच जाए, अगर एक तीर भी सही निशाने पर लगा तो डेनेरियस और ड्रैगन नीचे गिरेंगे। काइवर्न बताता है कि योरन की फ्लीट जो है वो भी ख़त्म हो चुकी है, अब इनके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अल्टीमेटली सर्सी जो है काइवर्न का हाथ पकड़ती है और दोनों रेड कीप से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर रास्ते में इन्हें हाउंड मिलता है और माउंटेन जो है उसके भी दिल में पुरानी नफरत जग चुकी है। वो भी हाउंड से लड़ने के लिए तैयार है। सर्सी कहती है कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, मुझे बचाना चाहिए, मगर माउंटेन उसकी बात को इग्नोर कर देता है। काइवर्न भी अब माउंटेन को आदेश देने की कोशिश करता है, मगर माउंटेन उसको बस उठाता है और दूर पटक देता है। काइवर्न मर जाता है। काइवर्न ने ही माउंटेन को क्रिएट किया था और माउंटेन ने काइवर्न का अंत किया। अभी सर्सी को रियलाइज़ हो चुका है कि उसे चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए इन दोनों भाइयों को छोड़कर।
हाउंड और माउंटेन के बीच अब यहाँ पर वो लड़ाई होती है जिसका इतने सीजन से इंतज़ार किया जा रहा है। अगर ये किसी और मौके या दस्तूर पर होती तो शायद मैं इसे ज़्यादा इंजॉय कर पाती। अभी तो बस मुझे लग रहा था कि क्यों लड़ रहे हो यार, भागो ना यहाँ से। माउंटेन जो है उस पर बहुत ज़्यादा अटैक करने की कोशिश की जाती है हाउंड द्वारा, मगर माउंटेन को कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि वो अनडेड है। उसे तलवार घोंपी जाती है, इनफैक्ट उसकी आँख में खंजर डाल दिया जाता है, मगर वो फिर भी खड़ा है सही सलामत। इसका मतलब ये हुआ कि कायबर्न अनडेड बना सकता था, तो फिर उसने पूरी आर्मी क्यों नहीं बना ली? उसने माउंटेन जैसे और भी 400-500 लोग क्यों नहीं बना दिए सर्सी की सुरक्षा के लिए? क्लियर नहीं हुआ। अभी माउंटेन जो है क्योंकि मर नहीं रहा है तो हाउंड को लग रहा है उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। वो उसे बहुत ज़ोर से धक्का देता है और ये लोग नीचे गिर जाते हैं रेड कीप की पहाड़ी पर से, यानी कि अब दोनों फाइनली मर चुके हैं। हाउंड के लिए मैं इससे बेटर एंडिंग की उम्मीद कर रही थी, बट अब हमें यही मिला है तो क्या कर सकते हैं। जॉन स्नो और सर डावोस किंग्स लैंडिंग की इस तबाही को देख रहे हैं। जॉन अपने लोगों को आदेश देता है कि वो लोग रुक जाएं और आम लोगों की हेल्प करें। ये लोग आम लोगों को शहर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये बच सकें। अब डिनेरियस से भी इनकी जान को ख़तरा है और साथ ही वाइल्ड फायर भी यहाँ पर अब फटने लग गई है, क्योंकि हमें पता है किंग्स लैंडिंग की धरती के नीचे बहुत सारी जगहों पर वाइल्ड फायर बिछाई गई थी और अब क्योंकि ऊपर से आग बरस रही है तो ये वाइल्ड फायर भी आग पकड़कर ब्लास्ट हो रही है, जिससे नुकसान सिर्फ आम जनता का ही हो रहा है। सर्सी अपने कैसल में अब अकेली है, उसके पास बचने के लिए भी कोई जगह नहीं है। वो मैप रूम में खड़ी है और तभी पलटकर देखती है तो सामने जेमी है। ये पर्टिकुलर मूवमेंट जो है ना, वो भी मुझे इस पूरे एपिसोड में जो है वो अच्छा लगा। बहुत ही कुछ चीज़ें हैं जो पसंद आई, जिसमें से ये मूवमेंट था कि सर्सी के पास जब कोई नहीं था और कोई उम्मीद भी नहीं थी कि कोई हो सकता है, वो पलटती है और जेमी वहाँ पर होता है जो हमेशा से उसके साथ था। अभी जेमी उसे कहता है कि हमारे पास अभी भी मौका है, हमें यहाँ से भागना चाहिए, मेरे पास एक रास्ता है, और फिर उसे डंजन्स में लेकर जाता है। मगर वहाँ पर रास्ता बंद है, जिस रास्ते से निकलकर इन्हें बाहर जाना था बोट तक, वो ही क्योंकि इतना सारा मलबा पड़ा है तो वो रास्ता ही बंद है। इनके पास अब उम्मीद नहीं बची है, इनके सर पर रेड कीप गिरने वाला है और जेमी उसे गले लगाता है। सर्सी कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती और जेमी उसे समझाने की कोशिश करता है और फिर इनके ऊपर कह सकते हैं कि दुनिया ही गिर जाती है, पहाड़ ही गिर जाता है, दोनों ख़त्म हो जाते हैं। इनकी स्टोरी लाइन भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। सो बेसिकली जेमी ने सर्सी को नहीं मारा, आर्या ने भी सर्सी को नहीं मारा, डिनेरियस ने उसे मारा। वहीं आर्या किंग्स लैंडिंग की सड़कों पर आंखें खोलती है, शायद वो बेहोश हो गई थी। उसके आसपास सिर्फ राख ही राख है। वो यहाँ आम लोगों की जान बचाने की कोशिश करती है, उन्हें लीड करने की कोशिश करती है, जिसमें एक बच्ची होती है, मगर माँ जो है वो ज़ख्मी हो चुकी है और बच्ची अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती। आर्या आगे बढ़ती है और फिर से हमें दिखाया जाता है कि उसकी आंखें खुली और वो किसी रैंडम सी जगह पर पड़ी है और फिर से उसके आसपास लाशें ही लाशें हैं। अब वो पलटकर देखती है तो आसपास वाकई सब कुछ भस्म हो चुका है। जो बच्ची और माँ एक दूसरे को पकड़कर लेटे हुए थे वो भी जल चुके हैं। सारे निर्दोष लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। ये सारा काम डिनेरियस ने किया है। और आर्या को बीच में कहीं खड़ा एक घोड़ा दिखता है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी थ्योरीज है इस घोड़े को लेकर, बट मैंने नोटिस किया जब एपिसोड को दोबारा देखा कि ऐसा ही एक घोड़ा जो है वो गोल्डन कंपनी का जो कमांडर था उसके पास था, तो हो सकता है ये वही घोड़ा हो, समहाउ बच गया हो किसी तरह से। मैंने जब पढ़ा तो पता चला कि बुक ऑफ रेवलेशन में भी ये लिखा है कि मौत जो है वो एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होती है। अगर मैंने कुछ गलती की है बताने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं आप। बट आर्या जो है वो इस घोड़े पर बैठ के आगे निकल चुकी है और उसके दिमाग में क्या है हम समझ सकते हैं, वो अब साक्षात मौत है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। डिनेरियस ने तो जॉन स्नो का दिल तोड़ दिया, उस चक्कर में पूरा का पूरा किंग्स लैंडिंग ही तबाह कर दिया। उसको थोड़ा शांत रखने की ज़रूरत थी। अगर सैंसा और जॉन स्नो डिनेरियस के साथ थोड़ा नॉर्मली पेश आते, उसे थोड़ा प्यार से बात करते तो शायद वो इतना बड़ा फैसला ना करती। बट पता नहीं, डिनेरियस का दिमाग सनक चुका था। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड में, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स का लास्ट एपिसोड होगा, मिलते हैं। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक वॉच रोज सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। और ऊपर मेरे सोशल मीडिया पेजेस के जो लिंक्स हैं वो भी दिए हुए हैं, इसके ज़रिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं अलग अलग रास्तों से।